गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी फ्रॉम गुरु गोविंद सिंह पॉलिटेक्निक नासिक। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 2 का वीडियो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 है अपना सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। मैं मेरे वीडियो के माध्यम से मैं सारे बच्चों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, उनका जो कुछ सॉल्यूशन है, वो मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए बताना चाहता हूँ। मैंने मेरा पहला वाला वीडियो डाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो चैप्टर है अपना 6 मार्क का चैप्टर है। तो मैंने एमएसबीटी के पिछले 5 क्वेश्चन पेपर लिए हैं, और पिछले 5 क्वेश्चन पेपर में से जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर किए, उसका सोल्यूशन भी मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में दिया है। आज हम देखने वाले हैं अपना सेकेंड वीडियो फॉर द सेकेंड चैप्टर, दैट इज सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स। तो सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ्स ये पूरा जो चैप्टर है, पूरा चैप्टर आता है हमको 10 मार्क के लिए। तो इस 10 मार्क के लिए क्या क्या कंटेंट हम देखने वाले हैं वो भी आप देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ फॉर 10 मार्क्स। मैं हर एक वीडियो के माध्यम से हर एक चैप्टर में आपके सामने ला रहा हूँ, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आपको देने वाला हूँ, और उसके बाद सारे वीडियो के बाद मैं मेरा एक गेसिंग पेपर भी देने वाला हूँ। तो उस गेसिंग पेपर में एज पर माई नॉलेज मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाने वाला हूँ, वही क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो आपका पेपर इजीली आप पास भी कर सकते हैं। तो हम कंटेंट देख लेते हैं चैप्टर नंबर 2 का। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 में यहाँ पे आपको स्पेशली पर्टिकुलरली दे देते हैं कि कैलकुलेट एक्सियल डिफॉर्मेशन। तो चैप्टर 2 में क्या क्या आ सकता है वो हम देख लेते हैं एज पर द सिलेबस, क्या क्या आ सकता है। देखिए कैलकुलेट एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड एक्सियल स्ट्रेस फॉर द गिवन स्ट्रेस कंडीशन, मतलब यहाँ पे स्ट्रेस कंडीशन का प्रॉब्लम आपको आ सकता है। उसके बाद यूज हुक्स लॉ फॉर द गिवन स्ट्रेस कंडीशन। हुक्स लॉ कैसे यूज करेंगे गिवन कंडीशन के लिए, तो हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, तो उसको कैसे यूज करेंगे, मतलब प्रॉब्लम भी इसका आ सकता है। नेक्स्ट इज कैलकुलेट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड रिजिडिटी फॉर द गिवन सिचुएशन। एंड नेक्स्ट डिटरमाइन द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस एंड फॉर द गिवन कंडीशन। ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ द गिवन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। कैलकुलेट शियर स्ट्रेसेस फॉर द गिवन सिंगल एंड डबल शियर कंडीशन। तो मेनली 10 मार्क का ये चैप्टर है, तो 10 मार्क के लिए 2 या 4 मार्क आपको थ्योरी को आएंगे, तो थ्योरी में क्या क्या आ सकता है वो भी हम देखेंगे, और 2 प्रॉब्लम इस चैप्टर के ऊपर आ सकते हैं। तो प्रॉब्लम कौन से आ सकते हैं, आपको अगर डेल्टा एल फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कैसे करना है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इसके अंदर हमको दिखने वाला है। तो मैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम मैं डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। सी चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 ये जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस मैंने कहाँ से लिए, जो पिछले जो 5 एमएसबीटी के क्वेश्चन हुए हैं, एग्जाम हुए हैं, तो उनमें से ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, और मेरे हिसाब से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी मैंने इसके अंदर इंक्लूड किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन से टोटल 10 क्वेश्चन है। तो कुछ चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चंस है वो मैंने चैप्टर नंबर 3 का जो वीडियो में बनाने वाला हूँ उसके अंदर भी लेने वाला हूँ, क्योंकि क्या हुआ है आई स्कीम के अंदर कुछ सिलेबस उन्होंने सेपरेट कर दिया है, लेकिन कुछ टॉपिक जो है वो रिलेटेड थर्ड चैप्टर में भी है, सेकेंड और थर्ड चैप्टर ये दोनों स्प्लिट कर दिए, जी स्कीम में ये दोनों एक ही थे। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम वीडियो नंबर 3 में भी देखने वाले, लेकिन वीडियो 2 के अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम देख लेते हैं। सी हम डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारे क्वेश्चन हम देखते जाएंगे। अभी जो क्वेश्चन पे क्वेश्चन में आया था एक क्वेश्चन, वो क्या था, सिलेक्ट एनी टू पार्ट सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेसेस, टू पार्ट सब्जेक्टेड टू अ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेसेस ऑफ अ बाइक फ्रॉम द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो बाइक के कुछ कंपोनेंट्स दिए, तो उन्होंने बोला क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि कौन सा पार्ट टेंसाइल स्ट्रेस में जा सकता है, कौन सा पार्ट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में जा सकता है। तो ये सारे पार्ट्स उन्होंने दिए, लाइक शॉक एब्सॉर्बर, स्पोक ऑफ व्हील, फुट रेस्ट, ब्रेक वायर्स, क्लच वायर, चेन ड्राइव, ब्रेक पेडल्स। तो इनमें से देखो एज पर द एमएसबीटी सॉल्यूशन, पार्ट सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल स्ट्रेसेस, स्पोक्स ऑफ व्हील्स, ब्रेक वायर्स, क्लच वायर्स, चेन ड्राइव, ये सारे पार्ट जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस में आएंगे, और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस में आएंगे शॉक एब्सॉर्बर, फुट रेस्ट, ब्रेक पैडल। जब कोई भी टीचर आपको पढ़ाता है तो ये पूरा जो टॉपिक होता है ये पूरा टॉपिक ऐसे कवर नहीं करते,
क्योंकि ये एज पर सिलेबस के नॉर्म्स के हिसाब से ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। तो ये बच्चों का जो 10% प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो इसमें से चेक होता है, इसे क्वेश्चंस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिफाइन शियर स्ट्रेंथ एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो शियर स्ट्रेंथ और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन पूछा है। शियर स्ट्रेंथ इज अ प्रोड्यूस्ड व्हेन द डिफॉर्मिंग फोर्स कॉजेज चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी, और इसका डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड लेयर। शियर स्ट्रेन क्या होता है, कि शियर स्ट्रेस क्या होता है वो पहले समझना चाहिए आपको। तो जैसे कोई बॉडी है उसके अगर टेंजेंशियल फोर्स हम अप्लाई करते हैं और दूसरा साइड उसका फिक्स होता है, तो उस टेंजेंशियल फोर्स को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो उसको बोलते हैं शियर फोर्स। और उस शियर फोर्स की वजह से जो शियर स्ट्रेन उसके अंदर डेवलप होने वाला है वो शियर स्ट्रेन हम यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे देखा है, देखो, डिफाइन रेशियो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेयर टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लेयर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग शियर स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ये होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का डेफिनेशन। 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर के अंदर मेनली फोकस होता है चेंज इन लेंथ का जो प्रॉब्लम होता है डेल्टा एल का, वो प्रॉब्लम इसके अंदर आ सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने नजर आ रहा है। अ मेंबर ए बी सी डी सब्जेक्टेड टू अ पॉइंट लोड P1, P2, P3 एंड P4 एज शोन इन फिगर। कैलकुलेट द फोर्स P2 नेसेसरी फॉर द इक्विलिब्रियम इफ P1 इज इक्वल टू 45, P3 इज इक्वल टू 450 एंड P4 इज इक्वल टू 130। डिटरमाइन द टोटल इलोंगेशन ऑफ द मेंबर एज्यूमिंग द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी टू बी 2.1 × 10^5 न्यूटन पर mm². ऐसा क्वेश्चन आया है, नीचे डायग्राम दिया है, P1, P2, P3 का वैल्यू दिया है और उन्होंने पूछा क्या है कि P2 कितना आ सकता है, वो उन्होंने पूछा है। तो सिंपल है, इसके अंदर वो P2 अननोन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे क्या करना होता है, मेनली समेशन एफ ऑफ एक्स करना होता है। इसका मतलब क्या कि राइट साइड में जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट साइड में जाने वाले फोर्सेस निगेटिव लेना है, इन दोनों का समेशन करना है। समेशन करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा वो डायरेक्टली आपको P2 का ही मिलेगा। देखो P1 का फोर्स दिया है 45, लेफ्ट साइड में जा रहा है इसीलिए हमने निगेटिव लिया, प्लस P2, P2 का वैल्यू पता है, नहीं पता है। P3 लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इसको माइनस लिया, -450। P4 जो है वो इस साइड में राइट साइड में जा रहा था, इसको पॉजिटिव लिया, 130। तो इन सारों का समेशन किया, समेशन करने के बाद वैल्यू आया 365। सो 365 हमने उस साइड में भेज दिया, तो P2 इज इक्वल टू 365 kN। तो अननोन फोर्स का वैल्यू हमको मिल गया। अभी हमको इलोंगेशन फाइंड आउट करना है। तो इलोंगेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर हर एक सेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट फोर्स है तो हर एक सेक्शन हमको अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने ए बी सेक्शन अलग किया, तो ए बी सेक्शन में अगर ए साइड में 45 है तो आपके उसके अपोजिट साइड में इक्वल फोर्स आपको लगाना ही है, क्योंकि क्या होता है कि हर एक सेक्शन यहाँ पे इक्विलिब्रियम में स्टेबल है। तो जितना फोर्स यहाँ पे उतना ही फोर्स आप यहाँ पे लगाएंगे। बाद में पहला वाला सेक्शन हुआ कि डायरेक्टली आपको क्या करना है कि लास्ट वाला आखिरी वाला सेक्शन बाद में कैलकुलेट कर ले। तो आखिरी वाला P4 की कितना वैल्यू था, 130 था, P4 का 130 वैल्यू है, तो इस साइड में अगर 130 लगाए तो इस साइड में 130 ही होगा। ओके, तो पहला वाला और आखिरी वाला सेक्शन ईजी होता है, लेकिन बच्चे, बहुत सारे बच्चे जम्बलिंग कहाँ पे करते हैं, तो ये सेकंड जो मिडल वाला सेक्शन होते हैं वहां पे जम्बलिंग करते हैं। तो इसके लिए काफी ईजी मेथड है, वो मेथड क्या है, देखो कि आप अंदर वाला जो फोर्स लेंगे तो वो फोर्स कैसे लेना है, तो पहला वाला और दूसरा वाला फोर्स देखना है आपको। अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है तो सबस्ट्रेक्शन करना है। तो P1 कितना था अपना, 45, 45 था, हाँ यस, P1 45 और P2 का वैल्यू था 365। तो P1 और P2 दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का क्या किया हमने, सब्सट्रैक्शन किया, तो 365 -45, तो आंसर मिला 320। और डायरेक्शन किसका लेना है, बड़े फोर्स का डायरेक्शन। तो बड़ा फोर्स कौन था, P2। P2 देखो इनसाइड जा रहा था तो यहाँ पे हमने इसको इनसाइड लिया। अगर यहाँ पे 320 लगाए तो यहाँ पे भी हम 320 ही लगाएंगे। ओके, तो ये हो गया फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हर एक का डेल्टा एल हमको निकालना है। अभी देखो यहाँ पे डेल्टा एल जो है वो इंक्रीजिंग रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ रहेगा वो कॉम्प्रेसिव रहेगा, तो कॉम्प्रेसिव यानी क्या होता है, वो निगेटिव में रहेगा और यहाँ पे वो टेंसाइल में रहता है। तो हर एक का डेल्टा L1, L2, L3 हम निकालेंगे। तो डेल्टा एल फॉर दिस सेक्शन, PL/AE फॉर्मूला हमको पता है, तो P का वैल्यू लिया 45 × 10^3, L का वैल्यू लिया 1200 डिवाइडेड बाय एरिया। तो एरिया कैसे निकाला है, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका डायमीटर दिया है 0. सॉरी डायरेक्टली एरिया ही दिया है आपको यहाँ पे, तो
एरिया का वैल्यू है 625 इंटू ई का वैल्यू दिया है, हर एक का ई कॉमन नहीं, हर एक का ये ई एक ही दिया है, 2.1 इंटू 10^5। तो 2.1 इंटू 10^5 सारे वैल्यूज हमने पुट कर दिए, इसमें वैल्यू निकाला तो वो वैल्यू आ गया हमारा 40.41 आई थिंक, नहीं सॉरी 0.41, वो आगे प्लस का साइन है, थोड़ा ब्लर दिख रहा है वो। बाद में हमने सेकंड सेक्शन लिया, सेकंड सेक्शन पी एल अपॉन ए, पी का वैल्यू 320, एल का वैल्यू 600 अपॉन ए 2500 इंटू 2.1 इंटू 10^5। तो इसका पूरा कैलकुलेशन किया तो इसका जो साइन है वो निगेटिव लिया, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है, चेंज इन लेंथ कम हो रहा है। बाद में थर्ड वाला सेक्शन लिया, पी एल अपॉन ए, पी का वैल्यू डाला, एल का वैल्यू डाला, ए का वैल्यू डाला और ई का वैल्यू डाला, यहाँ से हमने ये वैल्यू निकाला। अभी एज पर देयर साइन इन तीनों का एडिशन करना है, जो प्लस था वो प्लस लीजिए, जो माइनस था वो माइनस लीजिए, तो टोटल इलोंगेशन हमको यहाँ पे मिल जाता है 0.491 mm। ओके, यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम विथ ऑल सेलियंट पॉइंट्स ऑन इट्स फॉर ऑन इट फॉर डक्टाइल मटेरियल एंड एक्सप्लेन द टर्म्स अल्टीमेट स्ट्रेस। तो अभी सारे जो टर्म है देखो, आपको एक तो डक्टाइल का ग्राफ आता है या तो फिर आपको ब्रिटल का ग्राफ आता है, तो ये दोनों ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किए। तो डक्टाइल का ग्राफ देखिए, ये 0 to a, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, ए टू बी बोलेंगे हम इलास्टिक लिमिट, बी टू सी बोलेंगे हम इसको अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट। तो ये सारे साइलेंट पॉइंट्स हमने इसके ग्राफ के अंदर बताए हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द डक्टाइल मटेरियल, और यहाँ पे भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर द ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन के लिए यहाँ पे बनाया है। तो इन दोनों ग्राफ में से एक ग्राफ कंपलसरी आपको आएगा ही आएगा। ओके, बाद में आता है क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, जो डेल्टा एल हमने फाइंड किया था वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे एरिया कॉमन है, तीनों सेक्शन का एरिया कॉमन है और फोर्स अलग अलग है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला वाला सेक्शन पहले लीजिए, ए बी सेक्शन, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 लगा दिया, इसके बाद डायरेक्टली आखिरी वाला सेक्शन लेना है, तो यहाँ पे 10 है तो इस साइड में भी 10 लगा दीजिए। तो अंदर का सेक्शन कैसे लेना है कि पहला फोर्स और दूसरा फोर्स आपको देखना है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का सब्सट्रैक्शन कीजिए, 80 - 50 कितना आता है 30, और बड़े फोर्स का डायरेक्शन, ये वाला फोर्स अंदर जा रहा था तो अंदर जाने वाला डायरेक्शन, अगर यहाँ पे 30 लगा तो इस साइड में भी 30 लगाएंगे। तो सेम मेथड, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, पी का वैल्यू था 50, एल का वैल्यू था 800, एरिया कॉमनली दिया है इन्होंने 1000 mm², पूरा एरिया कॉमन दिया है, इंटू ई 1.05 इंटू 10^5 इज इक्वल टू दिस वन। फिर अंदर का जो लिया डेल्टा एल पी एल अपॉन ए, इसको माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये कॉम्प्रेस हो रहा था या इसलिए इसको यहाँ पे माइनस लिया, और लास्ट वाला डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए, तो इसको भी कॉम्प्रेसिव लिए क्योंकि ये भी निगेटिव ही है। तो इन तीनों का एडिशन कर देंगे बाद में और कॉमनली हमको डेल्टा एल मिल गया। तो ये हो गया हमारा डेल्टा एल फाइंड आउट करने का। बाद में जो जैसे मैंने बोला था पहले, इसमें पहले क्वेश्चन में कि प्रेजेंस ऑफ माइंस आपका चेक करते हैं, वैसे ये क्वेश्चन है, कंपेयर मटेरियल माइल्ड स्टील, लेदर, कॉपर एंड वुड ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड डक्टिलिटी। तो इन तीनों क्राइटेरिया के ऊपर ये पूरा हमको कैटेगराइज करना है। तो वो कैसे किया, देखो क्राइटेरिया स्ट्रेंथ सबसे पहले ऊपर है, स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन अच्छा रहेगा, माइल्ड स्टील, उसके बाद कॉपर, वुड और लेदर। क्राइटेरिया हार्डनेस, हार्डनेस में माइल्ड स्टील ऊपर, कॉपर, वुड, लेदर। डक्टिलिटी, कॉपर, माइल्ड स्टील, लेदर, वुड। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है, ये कैसे ऐसे सिलेबस में ऐसे कोई पढ़ा था ऐसे नहीं है, लेकिन ये आपका जजमेंट आ जाता है, मतलब एमईएम का नॉलेज, सॉम का नॉलेज दोनों इकट्ठा करके आपको एक पूछा, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। बाद में यहाँ पे दिया है, अ स्टील बार 50 mm इंटू 50 mm इन अ सेक्शन 3 मीटर लॉन्ग सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 20 kN, कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ, चेंज इन साइड ऑफ द बार, टेक ई इज इक्वल टू दिस 200 GPa एंड पॉइजन रेशियो 0.3। एक्चुअली ये प्रॉब्लम बिलोंग करता है हमारे थर्ड चैप्टर से, क्योंकि यहाँ पे पॉइजन रेशियो आ जाता है, पॉइजन रेशियो का इंट्रोडक्शन सेकेंड चैप्टर में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या क्या पूछा गया है, चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल, चेंज इन साइड यानी डेल्टा बी या डेल्टा डी, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, पी एल अपॉन ए, तो पी का वैल्यू दिया है उन्होंने 20 kN, 20 × 10^3, एल का वैल्यू भी दिया है 3 इंटू मीटर था तो उसका एमएम किया 3 × 10^3 डिवाइडेड बाय एरिया 50
15:50 एरिया, ई का वैल्यू दिया था जीपीए, तो उसका एमपीए क्या मल्टीप्लाई बाय 10:3। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद, कैलकुलेशन करते वक्त एक चीज ध्यान में रखिए, ऊपर के साइड में एक ब्रैकेट डिवाइडेड बाय नीचे के साइड में एक ब्रैकेट, बस इतना ही डालना है, और ज्यादा ब्रैकेट आपको इंट्रोड्यूस नहीं करना है। अगर आप विदाउट ब्रैकेट करेंगे तो आपका 100% आंसर गलत आएगा इसका, तो आपको ब्रैकेट यूज ही करना है। ओके, तो उसके बाद आपको फिर से क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन साइड। तो चेंज इन साइड के लिए देखो एक ही फॉर्मूला होता है, म्यू फाइंड आउट करो या चेंज इन साइड फाइंड आउट करो। म्यू इज इक्वल टू लेटरल अपॉन लीनियर स्ट्रेन, तो लेटरल में डेल्टा बी अपॉन बी डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा बी मतलब चेंज इन साइड डिवाइडेड बाय बी यानी साइड जो दिया है 50 डिवाइडेड बाय डेल्टा एल दैट इज 0.12 अभी निकाला, लेंथ का वैल्यू 3000। ये पूरा कैलकुलेशन करना है आपको, वहां पे से उस पे से आपको डेल्टा बी का वैल्यू मिल गया 6 × 10⁻⁴। अभी यहाँ पे डेल्टा डी भी दिया है तो, लेकिन साइज कैसा है देखो, हमारा जो सेक्शन का साइज 15:50, तो दोनों साइड कौन सा भी लीजिए तो वैल्यू वही आने वाला है। देखो वैल्यू दोनों वही है, तो एक ही सॉल्व करेंगे तो भी चलता है, जरूरी नहीं कि दोनों सॉल्व करने। बाद में कैलकुलेट द सेफ एक्सियल लोड इन टेंशन फॉर स्टील बार ऑफ क्रॉस सेक्शन 75 × 12 mm इफ अलाउबल स्ट्रेसेस 155 MPa। सिंपल क्वेश्चन है, एरिया कितना दिया है बी इंटू डी, और सेफ स्ट्रेस कैलकुलेट करने को बोला है उन्होंने। तो सिग्मा अलाउबल इज इक्वल टू पी अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो पी सेफ इज इक्वल टू सिग्मा अलाउबल इंटू एरिया है, बस यहाँ पे डिवाइड था तो मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो पी सेफ, सॉरी पी सेफ कैलकुलेट करने को बोला है। तो सिग्मा का वैल्यू दिया है उन्होंने 155 अलाउबल स्ट्रेस मल्टीप्लाई बाय एरिया 900, पी सेफ इज इक्वल टू 139.5, या आप उसको न्यूटन में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि किलो न्यूटन में करना है। ओके, और आखिरी में आता है डिफरेंशिएट बिटवीन सिंगल शेयर एंड डबल शेयर। तो सिंगल शेयर और डबल शेयर में क्या डिफरेंस है, क्राइटेरिया, नंबर ऑफ ए शेयरिंग प्लेन्स। अगर सिंगल शेयर होता है तो एक ही प्लेन शेयर होगा, डबल शेयर है तो दो प्लेन उसके शेयर होते हैं, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में भी ये देखा होगा। नंबर ऑफ ए स्पीसीज ऑफ स्पेसिमेन आफ्टर द फेल्योर, अगर हम सिंगल शेयर करेंगे तो एक स्पेसिमेन के दो टुकड़े बनेंगे, ओके, तो यहाँ पे टू लिखा है। अगर हम डबल शेयर करेंगे तो एक स्पेसिमेन के तीन टुकड़े होते हैं, क्योंकि उसके दो एरिया शेयर होते हैं, तो एट ए टाइम उसके दो एरिया कट होते हैं, इसीलिए उसके तीन टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पे थ्री लिखा है। तो फॉर्मूला लिखा है फोर्स अपॉन एरिया, एक ही एरिया शेयर होगा इसलिए एफ अपॉन ए लिखा है, यहाँ पे देखो एफ अपॉन 2A, क्योंकि दो एरिया यहाँ पे शेयर होने वाले, तो ये कंपेरिजन हुआ। बाद में डेफिनेशन आते हैं दो दो मार्क के, ब्रिटलनेस लिस्ट नेम टू मटेरियल ऑफ द ब्रिटलनेस। तो ब्रिटलनेस का डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल ड्यू टू विच इट सडनली ब्रेक्स विदाउट सॉरी विदाउट रिमार्केबल डिफॉर्मेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल फोर्स। मतलब इट डज नॉट गिव द प्रायर वार्निंग बिफोर ब्रेकिंग, ये सिंपल डेफिनेशन भी आप लिखेंगे तो भी चलेगा। उसका एग्जाम्पल होता है ब्रास, कास्ट आयरन, ग्लास, चौक, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ब्रिटल मटेरियल। बाद में वैसे ही जैसे ऊपर देखा था वैसे एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे आया है, अनइवन सेक्शन दिया है लेकिन फोर्स एक ही दिया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हर एक का एरिया फाइंड आउट कर लेना है। तो एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया पाई बाय 4 × d² पाई बाय 4 × d² पाई बाय 4 × d² से, ओके। और इसके इसके अंदर एक चीज भी पूछा है, फाइंड द इलोंगेशन एंड मैक्सिमम स्ट्रेस, इसे भी पूछा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ है, कहाँ आएगा, तो इन तीनों में से जिसका मिनिमम एरिया है उसको मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा, ठीक है। तो तीनों का एरिया हमने फाइंड आउट कर लिया, तो मिनिमम एरिया कौन सा है, देखो ये वाला मिनिमम एरिया है मिडल वाला, तो वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। तो चेंज इन डेल्टा एल का वही फॉर्मूला पी एल अपॉन ए, लेकिन यहाँ पे देखो पी सबका कॉमन है और ई सबका कॉमन है, इसीलिए हमने क्या किया पी और ई को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन एरिया, हर एक का लेंथ 200 अपॉन एरिया, दूसरे का लेंथ 250 अपॉन एरिया, थर्ड लेंथ 160 अपॉन एरिया। तो इन सारे को कैलकुलेशन करने के बाद डेल्टा एल मिला 0.308 mm। बाद में मैक्सिमम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया ही है, फोर्स दिया है उन्होंने 14 × 10�³ डिवाइडेड बाय एरिया दैट इज 490, मिनिमम एरिया जो था वो लिया, तो मैक्सिमम स्ट्रेस हमको मिल गया, तो ये हो गया। और इसके बाद टेम्परेचर स्ट्रेस का एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है, तो टेम्परेचर स्ट्रेस में क्या है, देखो ये वाला एक प्रॉब्लम है, स्टील रेल 12.6 मीटर लॉन्ग
is led at a temperature of a 24 degree Celsius. The maximum temperature is expected 44 degree Celsius. दो टेम्परेचर दिए, 44 डिग्री मैक्सिमम है और 24 डिग्री मिनिमम है. तो क्या क्या पूछा है? मिनिमम गैप बिटवीन द रेल्स, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप्ड इन द रेल्स, नो एक्सपांशन ज्वाइंट इज प्रोवाइड. तो इसका मतलब क्या होता है? देखो, उन्होंने लेंथ दिया है, मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर दिया है, और पूछा क्या है? मिनिमम गैप पूछा है और थर्मल स्ट्रेस. तो मिनिमम गैप का मतलब है डेल्टा एल कैलकुलेट करना, और थर्मल स्ट्रेस का मतलब है सिग्मा स्ट्रेस कैलकुलेट करना है हमको. तो सारा गिवन लिख लिया, ई का वैल्यू भी दिया है और अल्फा का वैल्यू भी दिया, जो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, थर्मल स्ट्रेस कॉन्स्टेंट अल्फा, उसका वैल्यू भी यहाँ पे दिया है. तो उसके बाद सबसे पहले टी का वैल्यू ले लीजिए, 44 माइनस 24, तो 20 डिग्री सेल्सियस टी का वैल्यू मिल गया. तो पहले हमको मिनिमम गैप यानी डेल्टा एल पूछा था, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा टी एल, ये फॉर्मूला है उसका. एल अल्फा टी लिखिए कि वह, और आप अल्फा टी एल लिखिए. तो एल का वैल्यू 12.6, अल्फा का वैल्यू है 12.6 × 10^3, सॉरी ये लेंथ का वैल्यू है. अल्फा का वैल्यू 12 × 10^-6, और टेम्परेचर का वैल्यू 20. कैलकुलेशन कर लीजिए, डेल्टा एल का वैल्यू आपको मिल गया. बाद में थर्मल स्ट्रेस यानी सिग्मा टी पूछा है, अल्फा टी ई, अल्फा का वैल्यू, टी का वैल्यू और ई का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सिग्मा टी का वैल्यू मिल गया. और नेचर क्या आता है? अगर दोनों जॉइंट कंफर्म है, दोनों जॉइंट आपको नो एक्सपांशन बोला है, तो उसका कॉम्प्रेसिव ही नेचर रहने वाला है. तो एक प्रॉब्लम आपको सेकेंड चैप्टर का टेम्परेचर का आ सकता है, एक डेल्टा एल का आ सकता है, या सिंगल शेयर डबल शेयर का प्रॉब्लम आ सकता है. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने इंक्लूड किए हैं, और इसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो बाकी रह गए वो हम थर्ड वीडियो में देखेंगे. तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये वीडियो आप पहुंचा दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. आप सिर्फ वीडियो का भी स्टडी करेंगे तो वीडियो के अंदर आपको 5 क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको नजर आने वाला है, और सारे वीडियो के बाद में गेसिंग क्वेश्चन पेपर भी डालने वाला हूँ, आप उसको भी सॉल्व कीजिए, तो उससे भी आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू वेरी मच गाइज. थैंक यू.